जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लास और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिक्स हुए हैं। साइंस का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है और जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह है जो पिछले वर्ष रिपीट हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी इस पे रखे गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है और मैं काफी सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यूनानी भाषा में लिखे गए पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है। तो दोस्तों ये आपके किसकी रचना है, तो दोस्तों इनमें से किसी की भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो 3 मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था लीलाधर जगुड़ी को, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, तो किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है दोस्तों, तो ये फेड कप आपका होता है, तो यानी ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मैकेवेली को की संज्ञा किसे दी गई है, दोस्तों भारतीय मैकेवेली की संज्ञा किसे दी गई, तो ये चाणक्य को दी गई है, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, तो किसके लिए दी जाती है दोस्तों, ये आपके लिए दी जाती है पत्रकारिता के लिए, यानी कि ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसको मनाया जाता है दोस्तों, तो ये स्वामी विवेकानंद जी की, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तानसेन की परंपरा के संगीत धरानों के किस नाम से अभिभूत किया जाता है, किस नाम से किया जाता है, तो आपका सोनिया धराना ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में MP में, और इसकी कैपिटल क्या होती है दोस्तों, भोपाल, कैपिटल है आपकी भोपाल, और यहाँ के CM कौन है दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग भारत का स्थान है आपका 79, यानी कि आपका 79वां स्थान है, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एलआईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो किसका किया है दोस्तों, तो ये किया आपका IDBI बैंक का। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई पर नवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये औरंगाबाद में आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, तो ये करवाया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, थे वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करता है, ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है, तो नचिकेता मोर समिति का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये बैंकिंग से, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था दोस्तों, थे पोखरण में किया गया था, आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कितने सत्र दोस्तों बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार, यानी कि ऑप्शन टू यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहता है, तो कितने वर्ष की आयु तक रहता है, तो ये आपका रहता है 65 वर्ष तक रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है, तो किस नाम से आरंभ किया गया, तो अरुण प्रभा के नाम से आरंभ किया गया, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये कौन थी दोस्तों, थे बछेंद्री पाल थी, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये कौन थे दोस्तों, तो एडमंड हिलेरी थे,
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो दोस्तों नौसेना का जो पूर्वी कमान है वो विशाखापट्टनम है, यानी कि ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन दोस्तों आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो हमेशा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपका ऑप्शन वन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है, यानी कि ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी भी शामिल है आपकी, कथकली भी शामिल है, उड़ीसी भी शामिल है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा, ऑप्शन थ्री। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है। तो महाद्वीपों का सही क्रम है दोस्तों एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये आपका स्टीफन हॉकिंग, कौन है, स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों से मिलकर गठित था, निम्न में से इसका सदस्य कौन नहीं था। इसका सदस्य कौन नहीं था, तो लॉर्ड एमरी नहीं थे, यानी कि ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना का आरंभ किया है। तो किसका आरंभ किया है, तो किया राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना का, किस आर्थिक ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना का इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका देखते हैं महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई है। तो किसमें की गई दोस्तों, तो ये आपका की गई है नागपुर में, ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया है। तो आपका जारी किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो किससे प्राप्त की थी, तो जहांगीर से प्राप्त की थी, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। तो कितने वर्ष की आयु तक, तो 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो विकसित देशों में पाई जाती है, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई। तो हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब की गई, तो ये की गई थी 1967 से 1961, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। तो किस शासक को है, तो शिशुनाग को है, यानी कि ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी दुर्घटना को देखने पर मैं क्या करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी दुर्घटना को देखते हैं तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समन्वयक पेट्रोल कॉर्पोरेट भारत और पाकिस्तान के बीच वार्षिक अभ्यास है, ये नहीं सही है, बाकी दोस्तों ये आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है। तो निम्नलिखित में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है, तो किसको प्रदान किया जा चुका है दोस्तों, तो ये किया जा चुका है रेड क्रॉस को। ठीक है, ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2018 को कितने रुपए सिक्कों का जारी किया है। तो ये कितने का जारी किया, तो ये दोस्तों आपका 100 रुपए का जारी किया है। ठीक है, 100 रुपए का सिक्के जिसपे अटल बिहारी जी की पीछे फोटो होगी। भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ये दोस्तों कौन थी, लीला सेठ थी, ऑप्शन टू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो कितने देशों के साथ लगती है, तो ये आपके 3 देशों के साथ लगती है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील नदी की देन किसे कहा जाता है। तो ये मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी।
तो दोस्तों उड़ीसा की जो पूर्व राजधानी थी वो पहले कटक थी, ठीक है, अब क्या है भुवनेश्वर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दोस्तों रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, इनमें से कौन सा है, तो एक खंडाला है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका राइट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर गाइज, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।